माइसेल्फ चेतन सिंह भी वेलकम टू CGT। आज हम लोग करेंगे मैट्राइसिस और उसका शॉर्टकट। तो देखो शॉर्टकट क्या है, बहुत लोगों ना इन्वर्स फाइन करने में प्रॉब्लम होता है, वो भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, तो बताता हूँ देखो इन्वर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, ये लेक्चर में ना मैं पूरा मैट्राइसिस फिनिश कर दूंगा जो टफ पार्ट है और बहुत फास्ट होगा। देखो तो ध्यान दो, देखो लेट ए इज इक्वल टू, इसको अज्यूम करो लेट ए गिवन मैट्रिक्स को, इसका डिटरमिनेंट फाइन करो। अगर नॉन सिंगुलर है तो क्या आएगा, ए इनवर्स एक्स। अच्छा, ए इनवर्स इक्वल टू आई, चलो ए इनवर्स आई लिखा। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको देखो ट्रिक बताता हूँ। सबसे फर्स्ट क्या करने का, डायगोनल एलिमेंट को वन बनाओ। क्या बनाओ, डायगोनल एलिमेंट को वन। फिर वो डायगोनल एलिमेंट के हेल्प से देखो यहाँ पे भी क्या, मैं डायगोनल एलिमेंट को वन बनाया, आर वन इंटरचेंज आर टू, हाँ ये वन आ गया, आर वन आर टू को मैंने इंटरचेंज कर दिया इधर भी। ओके, हाँ तो आर वन और आर टू को इंटरचेंज किया। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ये जो डायगोनल एलिमेंट है ठीक है, इसके हेल्प से ये दोनों को जीरो होगा। इसके हेल्प से मतलब क्या होगा, सिंपल सा लॉजिक है, इसके हेल्प से मतलब, अच्छा ये वन है ना और ये थ्री है, तो अगर इसको मैंने थ्री कर दिया तो वो क्या ना, तो क्या लॉजिक है, देखो थ्री मल्टीप्लाई का आर टू माइनस वी आर वन, ठीक है सेम, ये टू है ये वन है, तो आर थ्री माइनस टू आर वन। ठीक है, तो ये जो भी कोएफिशिएंट्स रहेंगे ना वो आर वन को मेरे को मल्टीप्लाई करना है, आर वन को या रिस्पेक्टिव डायगोनल एलिमेंट को, क्योंकि नेक्स्ट में भी ऐसे ही करेंगे सर। ठीक है, तो अभी देखो हो गया आर टू माइनस थ्री आर वन, आर थ्री माइनस टू आर वन ना, हाँ ठीक है, हाँ ये मेरे को जीरो आ गया दोनों। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है मेरे को, ये डायगोनल, क्योंकि ये हो गया ना ये, इसका पूरा काम हो गया, हाँ ये वन, ये इसके हेल्प से दोनों जीरो हो गया। अब ये लेता हूँ, चलो तो इसके हेल्प से मेरे को है ना ये दोनों को जीरो बनाना, बट ये ऑलरेडी वन नहीं, तो पहले इसको वन बना लो, चलो आर टू इंटू माइनस वन किया तो ये हो गया वन मेरा। ठीक है, हाँ इसके हेल्प से दोनों को जीरो करना है, बट यहाँ तो डायरेक्ट आ रहा है ये वन आ रहा है, ओके और ये जीरो है, तो थोड़ा ईजी हो गया, चलो चेंज करता है, सपोज ये थ्री और फाइव आएगा, तो अब क्या होता है देखो आर वन चेंजेस टू, हाँ मेरे को ये दोनों को जीरो बनाना है इसके हेल्प से, तो क्या कर रहा हूँ मैं थ्री नहीं आर वन को चेंज कराना मुझे, तो आर वन ऐसा कैसा रहेगा थ्री आर टू, बिकॉज आर टू में वन है ना। ठीक है, सिमिलरली आर थ्री को मेरे को चेंज करना है, तो आर थ्री वैसा का वैसा रहेगा और उसका कोएफिशिएंट आर टू को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, हाँ तो लॉजिक कोई बना, मैं इसको फाइव बना रहा हूँ ना, है ना फाइव माइनस फाइव, हाँ इसको थ्री बना रहा हूँ थ्री माइनस थ्री, तो जो भी डायगोनल एलिमेंट रहेगा ना उसको रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने का। सेम अभी लास्ट का भी सपोज ये वन है, ठीक है चलो लास्ट का भी एग्जाम्पल लेता हूँ, सपोज ये वन है और ये मेरा टू और थ्री बच रहा है, चलो टू थ्री नहीं फाइव सिक्स बच रहा है, तो क्या करूँगा मैं, अब मेरे को इसको आर वन चेंजेस टू, हाँ ये मेरा डायगोनल एलिमेंट हो रहा है थर्ड वाले, इसके हेल्प से दोनों को जीरो करना है, तो मैं क्या करूँगा आर वन माइनस फाइव आर थ्री, ठीक है एंड आर टू चेंजेस टू आर टू माइनस सिक्स आर थ्री, खत्म हो गया थोड़ा सा आ जाएगा, समझा। तो ये एकदम शॉर्टकट ट्रिक है, क्या ट्रिक है, पहले डायगोनल एलिमेंट को वन बनाओ, देखो इसमें सेल्फ भी लिखा है मैं ए वन वन वन, अब ये के वन के टू है, तो क्या करना है मेरे को, देखो आर वन को के वन मल्टीप्लाई किया, हाँ आर थ्री के लिए के टू मल्टीप्लाई, के टू था जो भी कोएफिशिएंट रहेगा सेम, फिर दोनों जीरो हो गया, फिर वापस इसको वन बनाया के थ्री के फोर जगह क्या, देखो आर वन माइनस के आर के थ्री आर टू, इसको इसको के थ्री मल्टीप्लाई करने का, के थ्री मल्टीप्लाई करने का, के फोर मल्टीप्लाई करने का, और सेम ना लास्ट में अगर ये वन है के फाइव के सिक्स है, तो आर थ्री आर वन इसको चेंज करना है, जीरो जीरो बनाना है, तो इसको के फाइव मल्टीप्लाई करने का, इसको के सिक्स मल्टीप्लाई करने का और सब्ट्रैक्ट करने का रिस्पेक्टिव रोज से, हो जाएगा। ये सिंपल ट्रिक था किसका, मैट्रिक्स इन्वर्जन का, ठीक है इन्वर्स फाइन करने का मैट्रिक्स का। ओके चलो अभी ना नेक्स्ट स्टेप रहते हैं हम लोग, चलो नेक्स्ट स्टेप पे रहते हैं हम लोग इन्वर्स बाय एडजॉइंट मेथड। तो देखो कैसे फाइन करना है, हाँ ए तो है, हाँ तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना, डायरेक्ट माइनर को फैक्टर निकालना चालू मत करना, हाँ पहले डिटरमिनेंट निकालना है, अगर नॉन जीरो आए तो क्या आएगा ए इनवर्स एग्जिस्ट, नॉन जीरो रखना मतलब, ठीक है हाँ। अभी देखो माइनर कैसे निकालता है, एम वन का मतलब वो बोल रहा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को निकलेक्ट करो, ये मेरा फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम है, अगर कुछ इशू हो रहा है तो थोड़ा प्रैक्टिस करो, वन टू थ्री लिखे हो गया ना वन वन, इसको इसको निकलेक्ट करो, ठीक है हाँ, पर ये एग्जाम आपको लिखना नहीं है वन टू थ्री वन टू थ्री, स्टार्टिंग प्रैक्टिस के लिए, ठीक है बाद में इशू हो जाए प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो क्या आएगा मुझे देखो ये टू माइनस वन टू, हाँ सिंप्लीफाई किया क्या आएगा फोर माइनस वन दैट इज थ्री, ठीक है हाँ ये मेरा माइनर लग गया। अच्छा को फैक्टर क्या है, को फैक्टर ए वन वन माइनस वन डेज टू वन प्लस वन, माइनस वन का स्क्वायर क्या था प्लस, और एम वन वन मतलब ए वन वन आ गया मेरे को थ्री। अब नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा और इजी करता हूँ इसको, ए वन टू डायरेक्ट लिख सकता हूँ, माइनस वन
रेस टू वन प्लस टू एम वन टू, हाँ डाल देते हो ऐसा अलग एक तरह का ये प्रेजेंटेशन का है, एक ये भी है ठीक है। हाँ और एक और शॉर्टकट प्रेजेंटेशन बता देता हूँ, माइनस वन रेस टू थ्री क्या होता है माइनस, अच्छा एम वन टू, एम वन टू करो चलो क्या करना है मेरे को फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को निगेट करना है, तो माइनस वन माइनस वन वन टू, अच्छा देखो आ रहा हूँ माइनस माइनस टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस ऑफ माइनस दैट इज प्लस वन, मतलब माइनस वन आ रहा है आंसर क्या आएगा प्लस वन, माइनस ऑफ माइनस वन ना प्लस वन होगा। चलो ए वन थ्री और शॉर्टकट करता हूँ मैं देखो, अब क्या क्या ट्रिक बताओ देखो था ना, वन प्लस थ्री क्या होता है फोर, तो अगर मेरे को इवन आएगा ना तो इवन का पावर क्या होता है माइनस वन रेशू, इवन पावर क्या होना है प्लस वन, तो अगर यहाँ पे इवन आया ना तो प्लस लिखने का और ऑड आया तो माइनस लिखना दे, वन प्लस टू ऑड आया था तो नेगेटिव, वन प्लस वन इवन आया तो सेम था, तो ये ध्यान रखो डायरेक्ट कर सकता हूँ ठीक है, तो ये माइनस वन रेशू को लिखने का भी जरूरत नहीं है ठीक है। हाँ तो अभी एक और शॉर्टकट क्या हो गया मेरा एम वन थ्री दे सकता हूँ, तो ये प्लस आएगा और एम वन थ्री चलो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो क्या आएगा मेरा माइनस वन टू वन माइनस वन, ओके कितना आंसर आने वाला वन माइनस टू दैट इज माइनस वन ठीक है। हाँ तो सिमिलरली में रिमेनिंग एलिमेंट्स का भी कितना होगा टोटल नाइन है ना, तो नाइन एलिमेंट्स को हम फाइंड कर सकता हूँ। हाँ अभी क्या आएगा देखो फाइनल आंसर क्या आएगा मेरा ए इनवर्स इज वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ओके हाँ तो वन अपॉन डिटरमिनेंट जो भी वैल्यू आएगा लिख लो, सपोज मेरे को इसका वैल्यू सिक्स आया ऐसे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कुछ अज्यूम भी हो सकता है, और एडजॉइंट एडजॉइंट एक काम को डायरेक्ट एक और शॉर्टकट बनाते हैं इसको है ना, क्योंकि ट्रांसपोज निकालते नॉर्मल लोग कोफैक्टर्स मैट्रिक्स का, तो इसको डायरेक्टली क्या लिखो आप लोग है ना कॉलम में लिखो सीधा, हाँ ऐसा रो वाइज मत लिखो कॉलम वाइज लिखो खत्म होता है, तो डायरेक्टली एडजॉइंट आएगा ठीक है। हाँ तो एक और शॉर्टकट था मेरे को एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है ओके, हाँ और एडजॉइंट की हेल्प से ए इनवर्स कैसे फाइंड करने का, चलो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। हाँ बट नेक्स्ट स्टेप से पहले मैं आपको एक टू बाई टू का शॉर्टकट बताता हूँ, समझे टू बाई टू मैट्रिक्स है टू थ्री फोर माइनस फाइव, इसका एडजॉइंट भी एकदम सिंपल है क्या होगा मैंने ये और ये इंटरचेंज होगा ठीक है, हाँ ये और ये इंटरचेंज होगा, इसका सिर्फ साइन चेंज होगा बस, ये डायरेक्ट शॉर्टकट है फटाफट एडजॉइंट, लेकिन आपको करके बताना पड़ेगा ऐसा डायरेक्ट नहीं चलेगा समझने के लिए ठीक है, मतलब क्रॉस चेक कर सकते हो करेक्ट आ रहा है कि रॉन्ग आ रहा है ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप, चलो नेक्स्ट स्टेप करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या है फाइंड एक्स इफ ए एक्स इक्वल टू बी, ए गिवन है बी गिवन है मेरे को एक्स फाइंड करना, हाँ तो एक मेथड है कि ए को पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दो ठीक है, वो ट्रांसफॉर्मेशन से मेरे को एक्स जो आंसर आएगा वो एक्स रहेगा ठीक है। दूसरा है ए एक्स इक्वल टू बी, हाँ ये क्योंकि बहुत लोगों को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में प्रॉब्लम होता है तो ये थोड़ा बेटर मेथड है, प्री मल्टीप्लाई में ए इनवर्स एडजॉइंट मेथड से निकाल दो, हाँ एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स आया मेरे को बी अंदर आने से वन बाई थ्री मल्टीप्लाई मत करो, आप इसको सिंप्लीफाई करो, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पूरा एक्सप्लेन करता हूँ देखो, इफ रो कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स देन ओनली मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल, अच्छा दोनों सेम है हाँ, तो मेरे को फाइनल मैट्रिक्स क्या आएगा थ्री रोज वन कॉलम, थ्री रोज वन कॉलम, अच्छा मतलब क्या आएगा थ्री रोज और कॉलम क्या रहेगा वन, अच्छा तो ये फर्स्ट एलिमेंट क्या रहेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो बोल रहा है मल्टीप्लाई फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम एंड रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स टू इंटू टू फोर, थ्री इंटू थ्री नाइन, फोर फाइव जा ट्वेंटी ठीक है, वैसे समझा रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है और जो बाहर वन बाई थ्री है ना वो बाद में आके अंदर क्या करना है हाँ मल्टीप्लाई कर देना हो जाएगा समझा, ऐसे करने का अच्छा, बट ये सबको एक और तरीके से पूछ सकते हो लोग फाइंड एक्स इफ एक्स ए इज इक्वल टू, उसका भी सेम रहेगा क्या, हाँ देखो उसका भी पैटर्न क्या रहेगा उसका मेथड वन क्या आएगा ध्यान देखो, मेथड वन आएगा मेरे को देखो ये पोस्ट मल्टीप्लाई ये प्री मल्टीप्लाई पहले और बाद में, हाँ तो उसका बहुत डिफरेंस है मैट्रिक्स में, हाँ क्या होता है पोस्ट मल्टीप्लाई रहेगा ना तो एक्स लिखा ए, अब इसमें आपको रो वाइज रो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना पड़ेगा आपको कॉलम वाइज ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा ध्यान रखना ठीक है, तो ये एक चीज हाँ तो ये सब जो बेसिकली एप्लीकेबल नहीं बिकॉज यहाँ पे सिंगल कॉलम ही है, हाँ बट ऐसा सेंस रहेगा जिसमें ज़्यादा कॉलम दे देंगे और आपका बोलेंगे एक्स इज इक्वल टू बी ना, हाँ तो क्या आएगा मेरे को क्या करना मेरे को कॉलम वाइज ट्रांसफॉर्मेशन, पोस्ट मल्टीप्लायर में कॉलम वाइज, प्री मल्टीप्लायर में ये प्री मल्टीप्लायर ये पोस्ट मल्टीप्लायर, पोस्ट मल्टीप्लायर में कॉलम वाइज ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है हाँ, और प्री मल्टीप्लायर में रो वाइज, और इसका भी सेम है इसका तो सिंपल है ए क्या आ जाएगा मेरे को एक्स क्या आ जाएगा बी ए इनवर्स करो आ जाएगा, हाँ ए इनवर्स भी नहीं आएगा दोनों में डिफरेंस रहेगा ठीक है, हाँ तो ये नेक्स्ट टाइप ऐसा है ठीक है। चलो अभी सबसे लास्ट टाइप पे आते हैं, चलो लास्ट टाइप क्या मेथड ऑफ रिडक्शन ठीक है,
2x plus y minus 3z equal to 0, ठीक है, ये 3 equations दिए हुए हैं, आप वर्क ऑन जाएगा, आपको कोई equation फ्रेम करा रहे हैं, आपको इतना कुछ दिक्कत नहीं, ठीक है, तो अब देखो, मैं काम कर सकता हूँ, तो दिख रहा है, 2 बार टीम को 1 आना चाहिए, तो मैं किसी एक equation को ऊपर ले सकता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको लेता हूँ, एक बार में इसको 2 लेता हूँ, इसको 3 लेता हूँ, मैं ले सकता हूँ, रीअरेंजिंग इक्वेशन एंड राइटिंग मैट्रिक्स फॉर्म. ओके तो देखो मैट्रिक्स फॉर्म क्या है ना, मैट्रिक्स फॉर्म इज रीअरेंज किया मतलब मैं क्या करूँगा इसको पहले लिखूंगा 1-1, ठीक है, 2-1-3 ऐसा भी कर सकते हो. ओके देन एक्स वाई जेड, हाँ अगर मेंशन नहीं किया है तो देखो एक तो मेथड वही है ए एक्स इक्वल टू बी वाला, तो एक्स क्या आएगा ए इनवर्स बी, एक मेथड ये है. दूसरा रिडक्शन मेथड है, वो ज़्यादा इजी है रिडक्शन मेथड. देखो क्या रिडक्शन मेथड, क्या करूँगा मैं, ये ऑलरेडी वन है, इसकी हेल्प से दोनों को जीरो करो, है ना. रिडक्शन मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इंजीनियरिंग में एक ही लॉन्ग फॉर्म होते हैं इंजीनियरिंग में, ठीक है, एक्जेक्ट नेम वही है उसका, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपको कन्वर्ट करना है. तो कैसा आएगा देखो, ये 2 को जीरो कराना, ये 1 की हेल्प से ना वही है ना, डायगोनल एलिमेंट की हेल्प से नॉन डायगोनल एलिमेंट को जीरो कराना इसका पे. तो देखो मैं बोल सकता हूँ आर टू टेंस टू आर टू माइनस 2R1 और सबसे 5 है तो क्या आएगा R3 changes to R3 minus 5R1, मतलब कोई भी चीज़ से मल्टीप्लाई करने का, हाँ डायगोनल एलिमेंट वाले रो को, ठीक है, हो गया. तो फिर ये मेरा दोनों जीरो हो जाएगा. हाँ फिर सपोज नेक्स्ट स्टेप में ऐसा आ रहा है मेरे को, ये तो जीरो आ रहा है, सपोज ये 1 नहीं आ, उसको 1 में लेके आओ, ठीक है, हाँ वो तो कर दो. अभी 1 है और ये 5 है, ठीक है, या माइनस 5, चलो तो मेरे को वापस इसके हेल्प से इसको जीरो करना है, ठीक है, बाकी तो जो भी समझा. तो इसमें देखो क्या अकाउंट में R3 changes to R3 plus 5R2 ना, बिकॉज इसके हेल्प से इसको, हाँ और ये जीरो हो गया. फिर क्या आएगा मुझे, देखो कैसा आएगा, ये एक्स वाई जेड है, हाँ सिर्फ ये 3 को जीरो करना जाना का, ठीक है, और मेरे को सपोज यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे 5 है, ये 2 है, ये 3 है, तो मेरे को डायरेक्टली जेड का आंसर देगा कि ये 0 हो जाएगा, तो मेरे को डायरेक्टली जेड का वैल्यू आ जाएगा, जेड इज इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है. फिर सेकेंड इक्वेशन क्या आएगा मुझे, यहाँ पे सपोज 1 है, यहाँ पे 2 है, सपोज अज्यूम कर रहा हूँ मैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, तो अगर मैं सॉरी y प्लस 2z इज इक्वल टू 2, तो अगर मैं z सब्स्टिट्यूट करूँगा मेरे को y मिल जाएगा, और फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूँगा y और z मेरे को x मिल जाएगा, ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है. तो गाइस सारे के सारे हो गए, आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को शेयर करो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और भी आपको वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में भेजो, डेफिनेटली मैं और भी वीडियोस बना दूंगा, और भी शॉर्टकट्स बना दूंगा जो मेरे इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली जितना मैं कर सकता हूँ डेफिनेटली करूँगा. चलो गाइस आज के लिए इतना ही.